तो आज आपको अनेक को हरियाणा नस्ल, थारपारकर नस्ल और साहिवाल नस्ल के अनेक को बुल दिखाए जाएंगे। ये सभी बुल नस्ल संवर्धन के लिए किसी गौशाला में निःशुल्क दिए जाएंगे। आकाश भारद्वाज जी हैं, पिछले 17-18 सालों से गायों के पीछे लगे हुए हैं, गाय को बचाने के पीछे लगे हुए हैं। एक एक बुल का चयन करके पूरे हरियाणा से लेकर आते हैं, स्वामी जी से भी लेकर आते हैं। बहुत बढ़िया दूध रिकॉर्ड के इनके पास बुल रहते हैं। शरीर देखने में चाहे कैसा ही हो, लेकिन मिल्क रिकॉर्ड बहुत बढ़िया मिलेगा, हाई मिल्क रिकॉर्ड के मिलेंगे। और कुछ एक बुल तो आकाश भाई के द्वारा लाए गए ऐसे भी हैं जिनके आज के जीएसजी में सिमन बन रहे हैं, जैसे राम बुल है या और भी। आकाश भाई ने बहुत बढ़िया बढ़िया बुल अनेकों जगह पहुंचाए हैं, गौशालाओं के नक्शे बदल के रख दिए हैं, जो जो बुल आकाश भाई ने यहाँ से दिए हैं। एक से बढ़कर एक बुल है। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर पहले नंबर पर जो बुल देख रहे हो, यहाँ से शुरुआत करते हैं। पूरी जानकारी मिलेगी, क्या नाम है, कहाँ से लेकर आए, कौन सी नस्ल है, पूरी जानकारी मिलेगी। तो आकाश भाई, जय गो माता। जय गो माता। राम भाई, आपका सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन। आप हमारी गौशाला में, गोचर गौशाला में आए जी। और गोचर गौशाला का इतिहास रहा है पिछले 15-17 सालों से जी, कि हर गौशाला के लिए निशुल्क नंदी दिए और एक से बढ़ के एक उत्तम नंदी यहाँ पे तैयार हुए। और इस गौशाला ने पूरा तन मन धन से कुछ 15-17 सालों से घर घर एक देसी गाय पहुंचाने का मुहिम में बहुत एक योगदान दिया। और स्वामी चिन्मयानंद जी जो नूर महल से हैं, उनके आशीर्वाद से इस गौशाला में एक से एक अच्छे ब्रीडिंग बुल्स अवेलेबल हुए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जो ये बुल है हरियाणा नस्ल में, क्या नाम है, क्या कुछ दूध रिकॉर्ड है? इसका नाम कुणाल है जी। और ये स्वामी चिन्मयानंद जी के पास से आया है। इसके सीमेंट्स वगैरह भी बहुत हमने निशुल्क दिए हैं, हरियाणा में खासकर निशुल्क दिए हैं जी। और इसका रिकॉर्ड भी बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है। इसका 2800 प्लस इसकी माँ का दूध रिकॉर्ड है और पिता इसका HR 300 शायद HLDB का है। बहुत बढ़िया है। केदार और कुणाल दो बुल हुए हैं स्वामी जी के पास हरियाणा नस्ल के, तो उन दोनों बुलों में से एक है ये शुद्ध हरियाणा नस्ल का। इसके टेस्टिकल देखे आप, पूरे बड़े बड़े लंबे लंबे टेस्टिकल है, बिल्कुल पतली स्किन है, बहुत ही सुंदर बुल है, बहुत बढ़िया बुल है। तो आकाश भाई, इसको भी दे दोगे या फिर ये? हाँ जी, ये भी दे देंगे। जो इससे पहले अगर आप कुणाल की, ये कुणाल है और आपने अभी केदार का जिक्र किया, हाँ। केदार भी गोचर गौशाला से ही गया है, वो भी स्वामी चिन्मयानंद जी की गौशाला से यहाँ पे आया, हाँ। यहाँ से आगे, आगे और गौशालाओं में जी जी, और निशुल्क गया है। पैसे की तो यहाँ कोई बात ना करें, क्योंकि हमारा सिर्फ गौ माता के संवर्धन का विषय है, तो पैसे का विषय नहीं है, कोई सेल परचेज का काम नहीं है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ सेवा का जी। तो आपका फिर ये आता थारपारकर नस्ल का? हाँ जी, थारपारकर इसका नाम शत्रुघ्न है। ये CCBF सूरतगढ़ से है। 3100 इसकी माँ ने मिल्क रिकॉर्ड दर्ज करवाया है पहले ब्यांत में। 3100 खूब है भाई, खूब है। और 72-37 इसका फादर है। 72-37, ठीक है जी। 72-37 बहुत प्रसिद्ध बुल हुआ है, उसी के ऊपर इसकी स्कल भी मिल रही है। ऐसे बॉडी इसकी 72-37 के ऊपर ही दिखाई दे रही है अलग से ही। और इसकी ज्यादा बछड़ियां आती हैं, बछड़ियां ज्यादा, अच्छा आने लगी इसकी बछड़ियां। हाँ जी, इसकी बछड़ियां आ चुकी है, लगभग 10 बछड़ियां हैं और 2 बछड़े। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर आपका हरियाणा नस्ल का आता है ये जी। इसके सींग थोड़े से ज्यादा बड़े हैं। हाँ, इसके सींग थोड़े ज्यादा बड़े। गोविंदा, हाँ, है इसका। हाँ, हाँ, अच्छा, इसकी माँ का, माँ का 14.5 किलो के करीब, 14 किलो के करीब दूध है। ठीक है जी। और पीक पे 16 किलो दिया है इसकी माँ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये जो HR 043 आपका नंबर 43, ये इसके बारे में बताता हूँ। इसकी, इसका रंग तो श्वेत था जब ये पैदा हुआ, पर इसने बाद में रंग बदल दिया। ठीक है। और इसकी के तो क्या कहने, उसके तो खैर, हाँ, परमजीत भाई के पास है, महेंद्रगढ़ में दोंगड़ा जाट गांव है, वहाँ पर इसकी जो माँ है, 21-22 किलो दूध उसने खुला निकाल कर दिखाया। चल डिब्बी में भी 21 किलो दूध का रिकॉर्ड है, उस गाय ने बहुत नाम रोशन करवाया है, बहुत बढ़िया। और चल डिब्बी लाइन से फादर इसका जी। और इसके बाद जो ये है, ये बुला कस भाई, ये हरियाणा नस्ल में है, ये थोड़ा 4060। हाँ जी, ठीक है जी। ये भी अच्छा बुल है, अच्छा बुल है, 14-15 किलो इसकी माँ ने दूध। ठीक है। और ये शिशपाल का भाई बता रहे थे आप, ये शिशपाल का भाई है, ये इसकी माँ बीमार हो गया था, सिरसा डेरे में है। हाँ जी, बीमार हो गया था इसलिए कमजोर है, बहुत बढ़िया दूध लाइन का है। फादर इसका नारायण, H860 सेक्स सिमन से पैदा हुआ था ये, सेक्स सिमन में कई बार बछड़े भी आ जाते हैं। और इसकी माँ ने लगभग
इसकी माँ जो है मीनेबुल की बेटी है, बहुत बड़े अडर की है। इसकी माँ ने लगभग 21-22 किलो दूध खुला निकाल कर दिखाया है। इसकी माँ की तरह ही सुंदर बनेगा। ये भी छोटा था तब तो बहुत ज्यादा बड़ा हम था इसका, अब थोड़ा सा बीमार हो गया इसलिए ऐसा लग रहा है, बिल्कुल काला नाक है। पर अभी ये बिल्कुल ठीक है और आने वाले 2-3 समय में आप इसका बिल्कुल चेंज देखेंगे। जी जी, पूरा इसका बदलाव हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, इधर तूफान है। तूफान आपका प्रसिद्ध बुल है, ये पुराना बुल है। हमारा पुराना बुल, ये आपने कहीं दिया नहीं, ये आपके लंबे समय से गौशाला में ही है। हाँ जी, ये इससे बस सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा रहे हैं, जो हमारी बड़ी गाय है उनके लिए है। ये भी दे देंगे, अब कुछ समय रखना है अभी और हमारे पास। इसका क्या कुछ दूध रिकॉर्ड है आकाश भाई? इसका 3150 मिल्क रिकॉर्ड है इसकी माँ का। ठीक है, HLDB ब्लड लाइन से है। ठीक है, और फादर जो साइड से है वो 2900 समथिंग है। ठीक है, तो दोनों का एग्रीगेट जो एग्जैक्ट बनता है वो 3005 लीटर बनता है। ठीक है, 275 दिनों में। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो दूध की तो पूछने की बात ही नहीं, क्योंकि आकाश भाई के पास यहाँ पर अच्छे सिलेक्टिव बुल ही मिलेंगे, जैसा कि आपको पता है। ये जो दो रह गए थार पार्कर के, इनके बारे में और बताना। एक तो 8669 है ये। हाँ जी, इनका दोनों का रिकॉर्ड मैं बता देता हूँ आपको। इनका रिकॉर्ड है 20841 है जो दोनों का फादर। हाँ जी, ठीक है। थार पार्कर बुल का बहुत श्रेष्ठ बुल है और उनके बच्चे हैं दो। ठीक है, और माँ इनकी, और इनके मदर भी CCBS सूरतगढ़ से है। उनका रिकॉर्ड बता देता हूँ, 2796 और 3108 है। 2796 कौन से इलेक्ट्रेशन में? पहले ब्यांत। वाह भाई वाह, 3108 और 2796। तो फिर आप इनको वहाँ से तो परचेज करके लाए होंगे? परचेज 20,000 के छोटे बच्चे लिए थे। ठीक है, ये देखें भाई, छोटे छोटे बछड़े पैसे में लिए और आज इनको तैयार करके फ्री में दे रहे हैं। क्या कुछ नहीं लगता नंदी तैयार करने में जी। तो ऐसा नेक काम शायद ही कहीं देखने को मिले। तो ये दोनों ये साहिवाल में है जो, ये साहिवाल है जी। हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा, ये स्वामी चिन्मयानंद जी के वहाँ से आया हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया नंदी है। ठीक, बहुत अच्छा नंदी है। ठीक है, और ये यही का है। एक अपने सिस्टर है, ममता दीदी है, कोसली गांव से। हाँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। उनके पास बहुत अच्छी गायें थी, 18-18.5 किलो की। वो हमारे पास ही है गौ माता, उसका बछड़ा है। ठीक है जी, तो ये भी बिल्कुल तैयार है। जी जी, ये भी पैसे में ही लेकर आए थे और अब फ्री में देंगे जी। और इसके बाद ये स्वामी जी के पास से? नहीं जी नहीं, ये अपने मित्र है कुशांत जी। अच्छा, उनके पास एक गौ माता थी जिसने सभी गांव के लोगों के सामने सबसे ज्यादा दूध रिकॉर्ड करवाया था। अच्छा, और इसका फादर S34 है। ठीक है, और ये हमारे पास उन्होंने गिफ्ट किया। ठीक है जी, ठीक है, ये कुशांत भाई ने गिफ्ट किया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया टेस्टिकल है इसके भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा बहुत बढ़िया दूध रिकॉर्ड का है। हाँ जी, और इसको देख के ही, मतलब चाहे वीडियो में उतना पसंद ना भी लगे लोगों को, पर फिर भी अगर इसको आप लाइव देखेंगे ना, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और ऐसे ही अलग से ही पता लग रहा है कि मिल्क लाइन से है। बढ़िया, इसके बहुत शांत है। इसके बाद आपका जो ये है, ये थोड़ा सा हल्का सा काला रंग आ गया, चॉकलेटी रंग। हाँ जी, ये बहुत, इसकी हमारे पास कम से कम, हमने इससे ज्यादा नहीं तो 70-80 गाय क्रॉस करवाई। ठीक है, ये हमारा यहाँ का जो सबसे श्रेष्ठ बुल में से एक है। 716 क्या रिकॉर्ड है आकाश भाई? इसका रिकॉर्ड इसकी 4000 के लगभग है। 4000 के लगभग, अगर पूरा पूछेंगे तो मैं आपको पूरा रिकॉर्ड भी बता दूंगा। ये देखिए भाई, पूरे बड़े बड़े टेस्टिकल हैं, बहुत बढ़िया साहिवाल नस्ल में है। ये बुल भी दे देंगे आकाश भाई आप? ये अभी हम यूज कर रहे हैं, अभी यूज कर रहे हैं। एक साल बाद दे दोगे। ठीक है जी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक और है साहिवाल नस्ल का, ये बहुत ही सुंदर बुल है जी, बहुत बढ़िया दूध रिकॉर्ड का ये भी जी। जी, इसकी सुंदरता देखें आप, बिल्कुल खड़ी थुई, पूरा लंबा गड़कंबड़ है, पीछे तक गड़कंबड़ है, और पूरे टेस्टिकल और थन बब्बर बब्बर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। बब्बर की तो लगभग ज्यादातर बछड़िया ही आती है। हाँ जी, और बब्बर का तो सीमन भी बहुत महंगा हो रहा है आजकल, तो 5000 रूपए से भी ऊपर का बिक रहा है। उसी का बेटा है। और इसकी मदर आकाश भाई? 24.5 किलो दूध है इसकी मदर के नीचे। ठीक है, और अभी हम इसको अपनी गौशाला के लिए यूज कर रहे हैं, इसको लगभग हम 1.5 साल और यूज करेंगे। ठीक है, बाद में दे देंगे। तो साल के लिए इसकी माँ कहाँ है अब? इसकी माँ भी है फार्म पे जहाँ से लेके आए थे। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपका जो ये राठी नस्ल में है एक बुल भाई साहब, आपने राठी नंदी तो बहुत देखे होंगे, पर ऐसा नंदी देखना ये तो सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, इसके टेस्टिकल देखे भाई हमने, जितनी मोटी इसकी टांगे हैं उनसे भी ज्यादा मोटी इसके टेस्टिकल हैं। पूंछ बिल्कुल जमीन पर है। एक बार बोलना भाई इसको, इधर भाई इसको थोड़ा सा सीधा करना। ये देखें भाई टेस्टिकल की चौड़ाई देखें आप, बहुत ज्यादा चौड़ाई है। बहुत ही प्रसिद्ध बुल है, आपने पहले इसकी वीडियो जरूर देख रखी होगी, पूरा बताएंगे आपको इसके बारे में। थनों के बीच में पूरा ज्यादा गैप है, पूरे मोटे मोटे बड़े बड़े टेस्टिकल हैं। बहुत ही सुंदर, शुद्ध राठी नस्ल में है,
नाम है इसका मनबीर, मनबीर नाम है, और स्वामी चिन्मयानंद जी के पास से आकाश भाई लेकर आए इसको नस्ल संवर्धन के लिए। ऐसे मोटे बड़े टेस्टिकल, विड्थ ऑफ टेस्टिकल बहुत ही कम बुलों की देखने को मिलती है, जबरदस्त बुल है। इधर से देखें आप, हाँ जी, इसके गैप देखें, हड़ों का गैप भी बहुत ज्यादा है जी। तो आकाश भाई, क्या कुछ दूध रिकॉर्ड है इसका मनबीर का? इसका इसकी मदर है सकीना और 3904 मिल्क रिकॉर्ड है उसका, ठीक है, लगभग 4000 लीटर किलो जी। और फादर लाइन से 3600 समथिंग का रिकॉर्ड है, ठीक है, और स्वामी जी ने गिफ्ट किया, ठीक है, ठीक है। तो फिर आप का क्या कहना इसके बारे में? इसको किसी ना किसी गौशाला में दिया जाएगा जहाँ पे राठी के ऊपर काम होगा, जहाँ पे राठी पे काम होगा, और सिर्फ 2.5 साल के लिए देंगे, ठीक है, फिर बाद में बदल दोगे दूसरी जगह। तो राठी के ऊपर काम करने वाली तो बहुत कम गौशालाएं हैं, तो अगर कोई पर्सनल में बहुत बढ़िया ब्रीडर है, अच्छा गोपालक है, तो उसको भी दे सकते हो क्या कुछ समय के लिए? कुछ समय के लिए अगर कोई सर्विस वगैरह के लिए चाहिए हो तो थोड़ी देर के लिए दे देंगे, पर वैसे हम लंबा नहीं दे पाएंगे, लंबा समय के लिए नहीं दे पाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बोला भाई, बहुत बढ़िया। इसका दूध निकाल कर दिखाएंगे इसकी बछड़ियां, ऐसा राठी तो शायद ही आपने कहीं देखा होगा। स्वामी जी ढूंढ कर ही लाए हैं, हीरे ही ढूंढ कर लाते हैं कहीं ना कहीं से, राजस्थान से पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं ऐसी नायाब चीज। बहुत बढ़िया बुल है भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इतने साल हो गए मुझे, लगभग 17-18 साल हो गए गौ माता की साथ में जुड़े हुए जी जी, मैंने ऐसा शानदार अद्भुत राठी बुल नहीं देखा भाई। और ऐसे टेस्टिकल का तो हमने भी नहीं देखा, इतने बड़े इतने मोटे मजबूत टेस्टिकल बहुत ज्यादा है, और थनों का पूरा गैप बिल्कुल शुद्ध राठी में, और इसका हम्प भी बहुत बड़ा भाई, गिर गया हम्प, लेकिन मतलब बहुत बड़ा है, कट वाली थोई है, हम्प दिखाना जरा सीधा करना, सीधा करना एक बार हम्प, ये देखें भाई बहुत बड़ा हम्प है, ये देखें। तो ये भी निःशुल्क ही देंगे आकाश भाई, कोई भी साथी लेना चाहे तो यहाँ पर दूध का भंडार है, दूध के नदियों का, कोई भी आकर ले जा सकता है। कंडीशन क्या क्या रहेंगे आकाश भाई, एक बार वो भी बता दें थोड़े सा। यही है जी, एक तो वहाँ पे और कोई बुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर है तो सबकी वो नसबंदी करवाएं, या फिर अलग बाड़े में रखवा दे उनको, अलग बाड़ा भी कोई पास ना हो, पास ना हो, ताकि वो गायें उनको ना देखे, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, देखने से भी फर्क पड़ता है क्या गायों को, मतलब वो उसको स्मेल करके कहीं जंप ना कर जाए, और नहीं ना पता शाम को कौन सा छूट जाए। सही बात है, सही बात है। तो ये देखें भाई, ये जो कंडीशन है, और इसके अलावा अगर कोई भी गौशाला लेती है तो 3 साल में आकाश भाई खुद बदल देते हैं वहाँ गौशाला से, हाँ जी। और जैसे 3 साल में फिर आप उनको दूसरा नंदी उपलब्ध करवा दोगे, बढ़िया, हाँ जी, 3 भी नहीं 2.5 साल में ही, 2.5 साल में बदलवा दोगे, ठीक है जी। तो आज से पहले बहुत बढ़िया बढ़िया बुलाने को गौशालाओं में दे चुके हैं आकाश भाई, बहुत बढ़िया संवर्धन का काम यहाँ पर चल रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय गो माता, जय गोपाल।